फ्रेंड्स, मैं नकुल हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जीएसटी नंबर आ जाता है तो उसके बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे हम यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसके बाद कैसे कैसे उनके स्टेप होते हैं, क्या क्या कंप्लाइंसेस होती हैं, वो कैसे फॉलो करी जाती हैं जीएसटी आने के बाद, वो आज आपको बताऊँगा। यहाँ से आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर आना है और उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डालना है क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन आपको दिखेगा। इफ़ यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो हमें क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी मेल आईडी पे एक प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड गया होगा, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको एक नई यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, तो आपको ये यहाँ पर बना देना है एक नया यूज़र नेम और यहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट कर देना है। उसके बाद आपने सबमिट जैसे ही करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड बनने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए जो हमने अभी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ आपके सामने एक अलर्ट आएगा कोर बिजनेस सिलेक्शन का। तो यहाँ पर आपको मेन एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है आपके बिज़नेस की, कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। तो इसमें आपकी जो मेन एक्टिविटी है वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक मैन्युफैक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नीचे से सबमिट कर दे रहा हूँ। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक अलर्ट और आएगा जिसमें आपको बताएगा ये कि एज़ पर रूल 10 है, इट इज़ मैंडेटेड टू फर्निश द बैंक अकाउंट डिटेल विद इन 45 डेज। यानी कि आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल, यानी कि जो भी आपने करंट अकाउंट खुलवाया है या फिर आप सेविंग अकाउंट खुलवाया है, तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा 45 दिन के अंदर अंदर। नहीं तो ये क्या होगा कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसे डालेंगे, इसमें आपको नीचे टैब दिख रहा होगा फाइल अमेंडमेंट का, उस फाइल अमेंडमेंट पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वही फॉर्म खुल जाएगा जो हमने भरा था। यहाँ से आपको बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करना है और जैसे ही आप बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स आप पे कितने हैं जो आप मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप 1 या 2 ले सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से आप बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट की डिटेल कैसे अपडेट करते हैं, इसके बारे में मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में बता दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करनी है और यहाँ से आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इतना ही काम हमें बस जीएसटी पोर्टल पर करना होता है आपका रजिस्ट्रेशन आने के बाद। इसके अलावा भी आप कोर बिजनेस एक्टिविटी को आप चेंज करना चाहते हैं या बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल पर बने